बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गवर्नमेंट जॉब 2022 की टेस्ट प्रिपरेशन का सिलसिला हमने स्टार्ट किया हुआ है। लेक्चर हमारे 35 हो गए थे, मुकम्मल 35 लेक्चर्स का आज रिव्यू टेस्ट है हमारा। तो रिव्यू टेस्ट पर जाने से पहले आज के मैंने गवर्नमेंट जॉब के जो इश्तहार हैं तो इस वीक में हमारे पास चल रहे थे लिटरेसी डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट 17 स्केल की सीट्स और इलेक्शन ऑफिसर और एजे के यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर के हवाले से जो हमारे एड्स हैं वो सारे के सारे आज मैं आपके साथ एक रिव्यू दे देता हूँ, ताकि जिन लोगों को नहीं पता जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया उसमें अप्लाई कर सके। तो सबसे पहले हम चलते हैं जी अपने पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के इश्तिहार पे। इस पर जो हमारे लिटरेसी डिपार्टमेंट में जो सीट थी, एग्जामिनर की सीट थी, मोनिटर की सीट थी, लिटरेसी मोबिलाइजर की सीट थी। इसमें जो लिटरेसी मोबिलाइजर की 14वें स्केल की सीट थी, इसमें बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन था कि सर BS वाले अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं। तो जी BS वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास BA, BSc, MA, MSc या BS कोई भी आपके पास 14 साल या 16 साल डिग्री है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसकी आखिरी तारीख 2 जनवरी 2022 है, ठीक है जी। उसके बाद हम बात करते हैं जी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट के जो 680 सीटें थी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के वाले से, तो ये इनकी डेट थोड़ी सी एक्सटेंड हुई है। 28 दिसंबर तक पूरे सूबा सिंध से लोग जो हैं इसमें अप्लाई कर सकते हैं। सारे सब्जेक्ट की सीटें हैं, सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट की 17 स्केल की 680 सीटें हैं, इसकी आखिरी तारीख 28 दिसंबर है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं जी AJK की यानी कि आज़ाद जम्मू कश्मीर की। इसमें आपके पास बहुत सी सीटें हैं, खास तौर पर ये जो स्कूल टीचर्स की हैं ना, सेकेंडरी स्कूल टीचर्स की 16वें स्केल की, 15वें स्केल की, सारी की सारी सीटें हैं। इस पर अप्लाई करने की जो आखिरी तारीख 30 दिसंबर है, ठीक है। इसमें अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया तो कर लें। अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो मेरा नंबर आपकी स्क्रीन पर चल रहा है, व्हाट्सअप करें, इंशाल्लाह हम आपका अप्लाई भी कर देंगे। और उसके टेस्ट की प्रिपरेशन के वाले से हमारा अलहमदिल्ला गारंटी देते हैं कि जो लोग हमारे साथ टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं अलहमदिल्ला उसका टेस्ट जो क्लियर ज़रूर होता है। अब नेक्स्ट जॉब का मिलना ना मिलना वो अल्लाह ताला के हाथ में है, रोज़गार अल्लाह ताला देता है, लेकिन इंसान के हाथ में कोशिश करना है, मेहनत करना है। हम आपको मेहनत अच्छे तरीके से ऑनेस्टली ईमानदारी से करवाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास जितने भी स्टूडेंट्स पेपर में देने जाते हैं वो पेपर में क्लियर होकर आते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्शन कमीशन की, इलेक्शन ऑफिसर की 11 सीटें हैं 17 स्केल की। इस पर अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 जनवरी 2023 है और इसका 17 स्केल है, ठीक है। अगर आपने अप्लाई करना है तो कर लें, अगर आप हमसे अप्लाई करवाना चाहते हैं तो हम भी इंशाल्लाह ताला हम आपको अप्लाई कर देंगे, ठीक है जी। ये थी हमारे एड्स, इसके वाले से बहुत से लोग की क्यूरीज थी वो मैंने क्लियर कर दी है। अब हम चलते हैं अपने टेस्ट की तरफ, ठीक है जी। तो टेस्ट आज जी ये हमारा टेस्ट है, 10 नंबर का टेस्ट है आपका, 10 का 10। आपने 35 लेक्चर जो हमने हमारे जो हुए हैं उन्हीं में से हमने इसको बनाया है, ठीक है। तो अगर आप पहली दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आप यहीं से देख लें। अगर आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स में शामिल हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में ये PDF आ जाएगा। पूरे 7:10 पर इंशाल्लाह ताला ये टेस्ट आपके ग्रुप्स में होगा, आपने उसको सॉल्व करके फिर इसकी आपके पास जो आंसर की है वो भी पहुँच जाएगी। आपने खुद ही इसको सॉल्व करना है और खुद ही आपने इसको चेक करके अपने आंसर की के मुताबिक आपने सभी ने अपने अपने नंबर्स बता देने, फिर वहाँ से हम आप देख लेंगे कि आप किस लेवल तक तैयार हो चुके हैं, ठीक है जी। सबसे पहले ज़कात लाइबल फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इज कॉल्ड, जो जरी ज़मीन के ऊपर ज़कात होती है उसको हम क्या कहते हैं। उसके बाद फिलासफी ऑफ लाइफ इज़ फिलासफी ऑफ डैश, जो जिंदगी की फिलासफी है वो क्या कहलाती है। ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं, आपने इसका आंसर करना है। आई शैल नॉट एक्ट डैश कंपल्शन, ये आपने इसकी प्रपोजिशन बतानी है, इसकी जो करेक्ट प्रपोजिशन है वो क्या है। उसके बाद हाउ मेनी लेवल्स ऑफ सोलो टेक्सोनॉमी, सोलो टेक्सोनॉमी के कितने लेवल्स हैं, ये आपका पैडागोजी में से क्वेश्चन है। उसके बाद सम ऑफ टू नंबर्स 20, डिफरेंस इज 0, 2, फाइंड द नंबर, दो नंबर जिनको जमा करें उसका आंसर जो है ना 20 आए और उसको माइनस करें तो आंसर 2 आए, तो वो आपने बताने हैं वो कौन कौन से है, ये आपके पास ऑप्शन दिए हुए हैं। उसके बाद नंबर 6 है एनिमोलॉजी स्टडी ऑफ, जो एनिमोलॉजी है वो किसकी स्टडी कहलाती है, ये आपने इसका आंसर करना है। उसके बाद पाकिस्तान करेंसी 5000 के पीछे जो है ना वो इसकी बैकग्राउंड में किस चीज़ की तस्वीर बनी हुई है वो आपने बताना है। उसके बाद हरूफ की कितनी किस्म है वो आपने बतानी है। उसके बाद 9th क्वेश्चन है ऑन 5th जनवरी फर्स्ट ट्रेड एग्रीमेंट इज साइन बिटवीन पाकिस्तान और किसके दरमियान जो है ना ये ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ठीक है। उसके बाद इन MS Word टू फाइंड डैश, तो टू फाइंड है ना, फाइंड की आपने शार्ट की बतानी है कि फाइंड हम कैसे करते हैं, शार्ट इसकी शार्ट की क्या होती है, ठीक है जी। 10 के 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, आपके PDF पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह ताला। अगर आपने पहले दफ़ा वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे नंबर पर रब्ता कर लें, इंशाल्लाह ताला हम भी आपको भी अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेंगे और आपकी जो तैयारी है अल्हम्दुलिल्लाह हम क्लियर करवा देंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।